दे रहे हैं उस जो भी है इम्प्लीमेंट करने को जिसको कॉलेजेस को जो आदेश मिला है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि एक सेपरेट कमरा रखिए, आपका लाइब्रेरी होता है, क्लासरूम होता है, टीचर्स रूम होता है, रीडिंग रूम होता है, कोई भी एक कमरे में जाके उन्हें भी बैठ के या तो बैठे निकालना है निकालें, नहीं निकालना है वापस घर जाएँ, जाना ज़रूरी नहीं है, शायद बैठ के निकाल के जब तक कोर्ट का आदेश आता है तभी तक कंटिन्यू करें, अपनी स्टडीज़ मिस ना करें, ये इसमें कोई जिद्दा जिद्दी की बात नहीं है। हम जाते हैं थोड़ा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, मगर पॉलिटिकल फ़ायदा जो उठाने की कोशिश कर रहा है उसको अगर आपको हराना है तो आप शांत हो जाइए, कोर्ट के आदेश को मानिए, अपने आप से ये जो भी फ़ायदे उठाने देख रहे हैं ये अपने आप से विड्रॉ हो जाएंगे, अपने आप से विड्रॉ हो जाएंगे। हाँ एक दो तीन दिन, काफ़ी सेंसिटिव मामला है तो कोर्ट से एक दो दिन लगेंगे आने में। और भी और एक बात है, रिलीजियस जो भी मामला है उसको और एजुकेशन में और ड्रेस कोड में आप मिक्सअप मत कीजिए। मुझे नहीं मालूम कि ये टीचर्स को भी लागू होता है कि नहीं होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता क्योंकि टीचर्स को कोई यूनिफॉर्म है नहीं, यूनिफॉर्म नहीं है। हाँ फिर बात बढ़ती जाएगी तो फिर एंडलेस हो जाएंगे, खाली डिबेट्स होंगे, टीवी पे डिबेट होगा, रास्ते पे डिबेट होगा, मोर्चा होगा। इन सब से बचने के लिए मेरी सबसे गुजारिश है इंस्टीट्यूशन से, सरकारी कर्मचारियों से, ऑफिसर इंचार्ज से और पेरेंट्स से भी कि आप ले जाइए अपनी बच्ची को कॉलेज के अंदर छोड़िए, कॉलेज के कैंपस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लासरूम में जाने के लिए ही उतना एक इंस्ट्रक्शन है, बाजू रूम में जाके अगर चेंज करना तो चेंज करें, ये जिम्मेदारी कॉलेज की है कि उनके बच्चे और उनके माएँ रोड पर खड़े रह के कपड़े चेंज करना ये अच्छा दिखता नहीं है, इट इज़ अन इंडियन। और हिजाब का मतलब, मैं सब मेरे भाइयों बहनों को समझाऊं कि हिजाब का मतलब पल्लू ओढ़ना है, और पल्लू ओढ़ना हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, ये हमने पूरी दुनिया को सिखाया है।